उसे उजागर करने की जरूरत है। आज इस तरह करके वन डे टूर्नामेंट एक दिवसीय खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हम खिलाड़ियों को चयन कर पा रहे हैं कि इस खेल में कौन कौन खिलाड़ी यहां पर आज सुपर बने हैं और वैसे खिलाड़ी को चयन कर एक अच्छे टीम बनाया बनाने की जरूरत है। मेरा कहना है कि आज यहां पर खिलाड़ियों को एक मंच देने की जरूरत है, जो आज राज्य सरकार हेमंत सोरेन सरकार ने आज मंच देने का काम किया है। आप सबको ये मालूम होगा सिद्धू कानू क्लब सभी पंचायत में बनाया गया है, रजिस्ट्रेशन कराया गया है और उस क्लब को सरकार की ओर से सभी प्रकार का सुविधा दी जा रही है, फुटबॉल जर्सी और साल में 25,000 रुपया उस क्लब को नाम को दिया जा रहा है, जिससे आप पंचायत स्तर में खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए आप काम कर सकते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप खिलाड़ियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। आज हमारी सरकार में खेल नीति तैयार हो चुकी है, खेल नीति के माध्यम से आपको थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का सीधा नौकरी देने का प्रावधान है, जो क्योंकि आज तक हम लोग करीब 45 खिलाड़ियों को खेल का माध्यम से हम लोग सीधे तौर पर हेमंत सोरेन में नौकरी थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड नौकरी दे चुका है। और वही नहीं, हमारी इस राज्य के जो भी खिलाड़ी पहले खेले थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में जो गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, झारखंड का नाम रोशन किया है, वैसे खिलाड़ियों का उम्र हो चुका है, कई बीमारी से ग्रस्त है, कई खिलाड़ी तो घर में चल नहीं पा रहे हैं उम्र हो जाने के कारण। वैसे खिलाड़ियों को आज हमारी सरकार ने चयन कर चुका है और चयन करने के बाद सभी खिलाड़ी वैसे खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खेल करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, झारखंड का नाम रोशन किया है, वैसे सभी खिलाड़ियों को पर मंथ 12,000 रुपया देने का घोषणा किया है और देना भी शुरू कर दिया। कभी 6 महीने से मैं जानता हूं कि दर्जनों खिलाड़ियों को ये पेंशन के रूप में, सहायता के रूप में, उसकी मदद सहयोग के रूप में, क्योंकि एक समय वह एक अच्छा खिलाड़ी था और अभी शारीरिक रूप से वह निश्चित रूप से दुर्बल हो चुका है, खेल नहीं पा रहा है। इसलिए हमारी सरकार राज्य के हेमंत सोरेन ने अब निर्णय लिया, वैसे खिलाड़ी को भी हम सहयोग करेंगे जो हमारी राज्य के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खेल प्रतिभा को बढ़ावा करने के लिए और वह खेल के माध्यम से स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जैसे प्राप्त किए खिलाड़ियों को या सीधी 12,000 रुपए का पर मंथ देना शुरू कर चुका है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा खिलाड़ी साथियों को, आप पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी शुरू रखे, निश्चित रूप आपको पढ़ाई में या खेल में पढ़ाई समाप्त होते होते और खेल का अगर साथ में लेते जाते हैं तो निश्चित रूप से या पढ़ाई के माध्यम से आपको नौकरी मिलेगी या खेल के माध्यम से आपको नौकरी मिलेगी। जहां तक शिक्षा की बात है, मैं खुद अभी आप लोगों के सहयोग से इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का तमाम लोगों के सहयोग से मैं आप लोगों ने मुझे इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनाया, विधायक बनाया, लेकिन आज हम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर आभार प्रकट करते हैं कि मुझे ऐसी सरकार की जिम्मेवारी दी है, जो मुझे लगता है कि हमारा जल संसाधन उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग ये राज्य की सबसे बड़ा विभाग है, सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। आज विभाग निश्चित रूप से हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण लोगों ने सब लोग जुड़ा हुआ है जल संसाधन, यहाँ पर डैम केनाल नाला सिंचाई लिफ्ट इरिगेशन सारे किसान लोग उसमें जुड़े हुए हैं। शिक्षा में हायर एजुकेशन में जब तक आप हायर एजुकेशन शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं आप नौकरी नहीं पाएंगे, आप अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, अच्छा पोस्ट में नहीं जा पाएंगे, आप आईएएस आईपीएस नहीं बन पाएंगे, आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। तो आज वैसे विभाग मुझे जिम्मेवारी मिला है, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आपको यहाँ पर
आपको यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए बिल्कुल आपको एक पैसा नहीं लगेगा, बशर्ते आपका इच्छा शक्ति होना चाहिए। मैं पढ़ूंगा, आपका ये अगर इच्छा शक्ति हो तो सब चीज सरकार की ओर से हर सुविधा दिया जा रहा है। वन क्लास से लेकर के आप पूरा एकदम देश विदेश तक आप पढ़ सकते हैं। इसका रास्ता हमारी सरकार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रास्ता खोल चुका है। मैं कितना बताऊं, आज यहाँ पर पढ़ने के लिए आप वन क्लास से देखिएगा, मैं बताऊंगा तो 10 घंटे लग जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, सबसे आपको दिसंबर शिबू सोरेन क्रेडिट कार्ड अगर आप 10 क्लास से ऊपर पढ़ते हैं या पास कर लिए हैं तो दिसंबर शिबू सोरेन क्रेडिट कार्ड आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करें, आपका कार्ड बनेगा। और कार्ड ही किसी भी बैंक में लेकर जाइए, सीधा आपको 15 लाख रुपया पढ़ाई के लिए दे देगा। कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। ऐसे अगर किसी भी अगर कोई स्टूडेंट को अगर दिक्कत हो रहा है, दिशम गुरु शिबू सोरेन का कार्ड बन रहा है, बनाया है, अगर कोई बैंक वाला अगर नहीं दे रहा है तो सीधे आप मेरे पास आ जाइए, शिकायत कर दीजिए कि हमको दिशम गुरु शिबू सोरेन कार्ड से ये बैंक वाला पैसा नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पर उसको कार्रवाई करेंगे, जरूरत पड़ेगा बैंक को भी बंद कर देंगे। इसीलिए साथियों, जहां तक विदेश जाने की बात है, हम लोग विदेश जाने के लिए हमारी सरकार आज के मुख्यमंत्री ने कई यूनिवर्सिटी विदेश यूनिवर्सिटी के साथ यूनिवर्सिटी कर चुका है। हम लोग ने प्रति वर्ष 100 बच्चे को विदेश भेजने का निर्णय लिया है, लेकिन अभी 25 बच्चे से हम लोग शुरू किया है। पिछले वर्ष 25 बच्चों ने भेजा और इस बार भी 25 बच्चों को हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चे को भेजने के लिए 25 लाख रुपया खर्चा हो रहा है और सारी पैसा हमारी सरकार दे रही है। लेकिन इस वर्ष इतना आवेदन आया, पिछले वर्ष आवेदन नहीं आया था, इसीलिए 25 बच्चे को हम लोग भेजे। इस वर्ष इतना आवेदन आया, मुझे लगता है कि 150 से 200 है, लेकिन 25 बच्चे को भेजे। लेकिन इस बार हम लोग आने वाले ईयर में निश्चित रूप से हम लोग जो हमारा टारगेट है 100 टारगेट है, अगर 100 टारगेट ये बच्चा आ जाते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करेंगे और प्रतिवर्ष 100 बच्चे को हम लोग झारखंड से विदेश में पढ़ने के लिए हम लोग भेजेंगे। ये हमारे ये हित्ता है। इसलिए साथियों, इसलिए झारखंड के लोगों को, झारखंड की माटी के जो जन्म है लोगों को शिक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि आपके यहाँ खनिज संपदा से भरपूर है, सोना है, तांबा है, अबरक है, यूरेनियम है, कोयला है, लेकिन आप उसको यहाँ पर बाहरी लोगों ने, मतलब पूंजीपतियों ने इस खनिज संपदा को ये गिर जैसे नजर डाला हुआ है कि कैसे हम यहाँ का खनिज संपदा को लूट करके हम ले। इसीलिए हमें झारखंड क्षेत्र के खनिज संपदा को लूट से बचाना है। इसीलिए शिक्षा के लिए अति आवश्यक है। आपका शिक्षा का ध्यान रहेगा तब ना आप बोले आप अपना हक अधिकार का बात जानिएगा। इसीलिए आज शिक्षा के बिना हम झारखंड को संपूर्ण विकास की ओर हम नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा पर निश्चित रूप से आप किसी तरह का आपको ये आप परिवार का गार्जियन को ये जिम्मेवारी लेने की जरूरत नहीं है। आप हैं, आप शिक्षा पर पढ़ने के लिए आपको दिल संकल्प होना होगा, आपको ये शिक्षा में आपको इतना ही करना होगा मैं पढ़ूंगा, इच्छा शक्ति होना चाहिए। इसीलिए साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से आप अगर खेल में है खेल में रहे, लेकिन साथ साथ पढ़ाई में भी आप साथ में रहे, आपको भविष्य उज्जवल निश्चित तौर पर होगा। जहां तक खेती बाड़ी आज डैम के नहर सारे मेरे विभाग में ही आ रहा है और मैं पहली बैठक में हम यहाँ के पदाधिकारी को बोल दे भाई आप सुधर जाए कि ये जो डैम किनेर का मामला है ये हमारे चांदी जलाशय है, ये अब 40 वर्षों से इसका स्थिति जो देख रहे हैं, इसका हमें टारगेट बता दे कब पूरा होगा, कब पूरा करेंगे। यहाँ का किसानों का जो है सालों भर पानी कम मिलेगा। आपका योजना क्या है? ये योजना 15 वर्षों की योजना था, 15 वर्षों की योजना 40 वर्ष हो चुका है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। इसीलिए मैं सबको सख्त निर्देश दे दिया हूँ कि आज मुझे बनाए बताएं समय अवधि बताएं
इस चार्जिल डैम या स्वर्ण का परियोजना को ये अवधि कितना समय चाहिए आपको समय ले मुझसे समय समय दे रहा हूं, लेकिन समय अवधि में जो उद्देश्य है इसका परियोजना का कि यहाँ पर डैम से कैनाल से नहर से सभी को सभी किसानों को पानी मिले साल भर, ये हम जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इसका आप ब्लू प्रिंट बना करके मुझे दे। तो दूसरी ये बात है, स्वर्णिका का पानी जो है सालों भर बह रहा है, सालों भर बह कर सीधा पानी चले जा रहे समुद्र में। आज हमारे की है जमशेदपुर में जो एक बियर बना हुआ है जिसमें उस बियर से जमशेदपुर के 12 लाख लोगों को पानी मिल रहा है। अगर इसी तरह हम जगह जगह बियर बनाने के लिए हम निर्देश दे दिया है, इसका जांच भी हो रहा है, सर्वे भी हो रहा है, जिस तरह मानगो में बियर बना है उसी तरह पूरा हमारे इस पूर्वी सिंहभूम प्रांत तक करीब 6 या 7 जगह बियर बनेगा। आज बियर से पीने का पानी भी वहां से गांव में जाएगा और किसान के लिए सालों भर पानी मिलते रहेगा, वैसी व्यवस्था हम विभाग को बोल दिए हैं, पदाधिकारी को बोल दिए हैं। आप सारे चीज बना करके इसको लाइए, उसको आप स्वीकृति करेंगे, इसको हर आप जितना जल्द हो सके इस कार्य को हम लोग प्रारंभ कर दे, ताकि ये जो परियोजना आज बदनाम हो रहा है सोने का परिबोध्य परियोजना बहुउद्देश्य, मतलब ये कितना बहुउद्देश्य, कितना दिन बहुउद्देश्य का मतलब क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल 40 साल हो गया क्या, और 40 साल क्या, और 100 साल ये परियोजना ऐसे ही चलते रहेगा, एक तरफ डेम बनते रहेगा एक तरफ टूटते रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए साथियों मैं जिस विभाग में हूँ निश्चित तौर पर मुझे भी लगता है अच्छा लग रहा है कि किसान मान खेती बाड़ी का विभाग और शिक्षा का विभाग मुझे मिला है और खूब मैं इंटरेस्ट रहा, एक बचपन से ही मैं खेती किसान का बेटा हूँ और इसीलिए आज इधर शिक्षा का प्रति मैं बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे बदौलत कई यहाँ पर मैं अपने पैसे के बदौलत कई लोगों को डॉक्टर इंजीनियर पायलट बनाया, विदेश में भेजा मैं अपना पैसा से पढ़ने के लिए, कई जगह स्कूल कॉलेज खोलवाया। इसलिए आप तमाम इसी झारखंड वासी और हमारे क्षेत्र के लोगों को आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, खास करके शिक्षा और लिफ्ट इरिगेशन जल संसाधन के माध्यम से जो आपका किसानों के लिए जो पानी निश्चित रूप से आपके आपके सोच के अनुकूल मैं सारी व्यवस्था करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप शिक्षा में कम से कम आगे बढ़े, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं कहता हूं मेरे ये है, मैं व्यक्तिगत रूप से एज मिनिस्टर के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, मैं एक लड़का को एक पढ़ने के लिए 1 लाख रुपया तक किसी भी समय दे सकता हूं पढ़ने के लिए, और एक किसी भी व्यक्ति को अगर गंभीर बीमारी है उसको भी 1 लाख रुपया तक मैं अपने मिनिस्ट्री विभाग से मैं किसी भी समय आपको दे सकता हूं। इसलिए आपको हिचकना नहीं है, सरकार सारी तरह से आपका आपके लिए हर संभव आपके साथ में है और रहेगा। मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं आज के समय में जो आपका यहाँ आने वाले समय में 2024 में चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये राज में 24 वर्ष हो गया, 24 वर्ष में 18 वर्ष हमारे विपक्षी लोगों के हाथों में सरकार रहा, लेकिन 18 वर्षों में क्या किया नहीं किया कहने की बात नहीं है, अपने समझ आप समझ पा रहे हैं, माने 18 वर्ष आपका जवानी को बर्बाद कर दिए पूर्ववर्ती सरकार ने, और 2019 के बाद आप लोगों के सहयोग से जो सरकार बनाए महागठबंधन का सरकार जिसका राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाए हैं, और आप देख ही रहे हैं उसमें 2 साल कोरोना से पूरा देश तबाह था, उस कोरोना रोग से बचाने के लिए हमारी राज्य सरकार महाराज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पूरा मंत्रिमंडल 2 वर्षों तक उसी में व्यस्त रहे, जिसका कारण हमारे झारखंड राज्य में कोरोना से मरने का रेट कम रहा है। इसीलिए साथ में कहना चाहूंगा उसके बाद में जो 3 साल मिला उसमें 3 साल का कार्यकाल में हम चाहते हैं 18 वर्ष में जो काम नहीं किया विपक्ष लोग वो 3 साल में हेमंत सोरेन ने काम करके दिखाया है। समय जो तो एकदम तैयार कहें पे कि 2024 में भी हम इस राज्य में
हम महागठबंधन सरकार बनाएंगे और राज्य का मुख्यमंत्री हम हेमंत सोरेन को बनाएंगे और इस राज्य का हम स्वर्गीय विकास की ओर ले जाएंगे। इस राज्य के किसी भी लोग को हम रोजगार के लिए बाहर नहीं जाने देंगे। इस राज्य में जो जन्म लिया है, इस मिट्टी में जो जन्म लिया है, इसी मिट्टी में हम इसको लिखाएंगे, पढ़ाएंगे और रोजगार भी देंगे, नौकरी भी देंगे। ये हमारी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सोच है और हम लोग नींद में ले चुके हैं। इसीलिए झारखंड में रहने वाले नौजवान साथियों को मैं कहना चाहूंगा, आपको किसी के बात से बरकर रखना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए महागठबंधन सरकार है और इस राज्य को संचालित करने के राज्य के मुख्यमंत्री है, उसका जिम्मा, उसका सहयोगी हम लोग है। आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, हर सुख दुख में हम लोग आपको साथ में रहेंगे और आने वाला समय आपका भविष्य कैसे उज्जवल होगा उस पर हम लोग सब राज हम लोग चिंतित है। आपका झारखंड राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों को हम हर हाल में इस राज्य से दूसरा राज्य हम जाने नहीं देंगे। इसीलिए यहीं पे भी बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े इंजीनियर कॉलेज, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हम लोग की स्थापना करना शुरू कर चुके हैं। आने वाला 2-3 वर्षों के अंदर किसी को भी मेडिकल पढ़ने के लिए डॉक्टर बन गया, झारखंड से डॉक्टर बनेंगे, जो थे आज 2-3 साल का पहले तक झारखंड में डॉक्टर बनता ही नहीं था। इंजीनियर बनने के लिए आपको दूसरे स्टेट जाना पड़ता था, आज हम लोग भी व्यवस्था कर दिया, आपको यहीं पर इंजीनियर बनाएंगे, यहीं पर आईएएस बनाएंगे, यहीं पर आईपीएस बनाएंगे। ये सारी व्यवस्था, सारी सुविधा हम लोग ने कर चुका है। आप लोग को निश्चित रूप से आप लोग संयम बरते हुए आप हमारी जो योजना है, ब्लू प्रिंट जो हमारी सरकार बनाई है, उसको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़े। निश्चित है पूरा झारखंड के युवाओं का, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता का भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के तमाम से अमर है जतोगे जोहार।